ये कर्नाटक में एक चिंतक के नाम पे जो बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का गुलाम सूलीबले चक्रवर्ती, जिन्होंने कर्नाटक कलबुर्गी को 29 तारीख को दिन आए थे, जिसको रात में पुलिस इलाके वाले इसको रोका दिया, वहाँ पर निर्बंध लगाया कि यहाँ पर कलबुर्गी जिले में शांति और सुव्यवस्था रक्षा करने के लिए पुलिस इलाके ने वाले एक जारी किया। इसके बाद जो सूली बले वो कोर्ट में जाके परमिशन लेके चितापुर गया और चितापुर जाके ये कहने लगा कि मेरे को चितापुर और गुलबर्गा आने के लिए प्रियंका खड़गे जी ने रोक लगाया, पुलिस इलाके को सामने लगा के रोक लगाया बोल के जो चितापुर में बोला, ये बिल्कुल लाइंसाफी है, ये हंसने वाली बात है, सबको समझने वाला बात है। अरे जो कर्नाटक का और भारत देश में संविधान के तौर पर चलने वाले पुलिस इलाका, जो पुलिस इलाके का अधिकारी लोग यहाँ पर शांति सुव्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होना बोल के जब चाहते तो वो कुछ भी निर्णय ले सकते, और निर्णय लेने का काम उस इलाके का काम होता, उन्होंने निर्णय लिया, उसको रोकाया, इसका फायदा उठाने के लिए, अपने प्रचार देने के लिए और बीजेपी का प्रचार देने के लिए जो सीली बले प्रियंका खड़गे जी ने ऐसे किया बोलते तो आजकल बच्चे लोग हंसने लगे। आजकल सही भी छोटे छोटे बच्चे लोग, ये सरकार पुलिस इलाके इसको रोकाया, ये प्रियंका खड़गे जी का नाम बोलते बोल के हंस रहे बच्चे, और बात करते करते सूली बले ने बोलते ये गुलबर्गा मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका खड़गे का जागीर नहीं है बोलते। अरे सूली बले चक्रवर्ती, इनका जागीर है बोल के कौन बोला? क्या गुलबर्गा जिला आपका जागीर है? क्या आपका बाप का जागीर है? यहाँ ये दुनिया किसी बाप का जागीर नहीं है, ये भारत देश किसका बाप का जागीर नहीं है, हम सब भारतवासियों का देश है, हम सब भारतवासियों का जिला है। और बात करते करते बहुत कुछ बोलता है। पिछले गए चंद दिनों के पहले रायचूर में एक फंक्शन में बात करते हुए जो गुलबर्गा ईएसआई हॉस्पिटल जिसका फोटो जो ऊपर से निकाला हुआ फोटो दिखा के उसमें कन्नड़ अक्षर में खड़गे बोल के दिखता, वो फोटो दिखा के लोगों को बोलता ये अपने मल्लिकार्जुन खड़गे अपना नाम आने के लिए इस बिल्डिंग को ऐसा बनाया बोल के ये क्या अयोग्य बोल के बोलता, ये कौन सी बात है? और जो ये बोलने वाले सूली बले चक्रवर्ती, आपका क्या है, आपका क्या वास्ता है इसमें? अरे ऐसा बोलने के लिए लज्जा आना चाहिए तुम लोगों को, शर्म आना चाहिए। अगर तुम ये समाज एक चिंतक बोलते और लोगों को बहकाने वाले बात करते तो गुजरात में जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, वहां पर पहला वो स्टेडियम का नाम सरदार पटेल था। परसों जो वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ इंडिया में, उस समय में मोदी स्टेडियम बनाया जिसका नाम सरदार पटेल था, वो निकाल के मोदी स्टेडियम बनाया, वो किसका बाप का जागीर है? वो भी सार्वजनिक भारत देश के लोगों का टैक्स में बनाया हुआ स्टेडियम है। और जो बड़े बड़े बात बोलते सरदार पटेल के नाम पर इलेक्शन करते, सरदार पटेल जी का गुणगान करके वोट लेने का काम करते जो बीजेपी वाले मोदी साहब, उनका नाम रहने का भी आपको सहमत नहीं है। और कर्नाटक में जो शिवमोग्गा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का अगर आप ऊपर से फोटो निकाला गया तो वो बीजेपी का कमल फूल का चिन्ह दिखता, उसके बारे में भी आप बात करना है। जो सरदार पटेल का
स्टेडियम बदल के मोदी स्टेडियम बनाया, उसके बारे में क्यों बात नहीं किया? और यहाँ पर जो फोटो निकाले तो बीजेपी का चिन्ह दिखता है, इसके बारे में बात करना चाहिए? केवल एक पक्ष के लिए, एक व्यक्ति का गुणगान करने के लिए ये जो कमीशन के वास्ते जो काम करने वाला कोई तो कर्नाटक में है तो वो सूलीबले चक्रवर्ती है। और जो भारत देश का प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था में जो संसद भवन, नया संसद भवन बनाया, उस संसद भवन का जो ओपनिंग थे, उद्घाटन था, उस समय में भारत देश का प्रथम प्रजा राष्ट्रपति जिनको नहीं बुलाया उद्घाटन में, क्योंकि वो सोशल जो शोषित लोग होते, जो बैकवर्ड जो एससी एसटी के लोग है, इसलिए उनको वो संसद भवन का उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये कितनी शर्म की बात है, लज्जा आना चाहिए बीजेपी लोगों को, लज्जा आना चाहिए मोदी को। ये सब देख के भी मुंह बंद करके जो बैठते सूली बले, आपको तो लज्जा आना चाहिए, शर्म नहीं है? क्योंकि कलबुर्गी में जो ईएसआई हॉस्पिटल का दिखा थे, अरे प्रियंका खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्हें गुलबर्गा में है बोल के ऐसे बड़े ईएसआई हॉस्पिटल लाए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाए, और जो रेलवे डिवीजन बनाने के लिए ऑर्डर लाए थे, और जो यादगिरी में रेलवे का कारखाना खोलने लगे थे, और कोल पुलिस तरबेती मतलब पुलिस ट्रेनिंग और सेंटर बनाया गुलबर्गा में, अगर खड़गे जी भी यहाँ पर हाई बोल के एयरपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने अपने योगदान दिए, और ऐसे बड़ा और कल्याण कर्नाटक में 371 लागू किया। 371 लागू होने के बाद हमारे पास हजारों लोगों को मेडिकल सीट मिल रही है, हजारों लोगों को नौकरी मिल रही है। यहाँ पर जो गरीबी था, यहाँ पर जो परेशानी थे, ये सरकार का फंड आ रहे, एक सीएम भी नहीं कर सकता इतना काम गुलबर्गा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया, जिनके बारे में बात करने के लिए तुमको शर्म आनी थी, तुमका वो योग्यता भी नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर गुलबर्गा में आके ऐसे ना इंसाफी हरकतें किए तो चल के आगे चल के इसके लिए इसका भोग, इसके लिए हम आपको कड़क उत्तर देंगे। और आइंदा गुलबर्गा में आने के बाद ये जो आप बात करके गए, हमको हमारे जो गुलबर्गा शहर के कल्याण कर्नाटक के हमारे जो प्रियंका खड़गे जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो अभिमानी लोग है, हम सब मिल के आगे आने वाले दिनों में अगर गुलबर्गा आने के बाद हम उसका उत्तर जरूर देंगे।